क्या दो क्या के बोले आया पास या किसी के भरोसे नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आप सबसे जिम्मेदारी है सब लोग मिलकर तन मन धन लगाकर सब लोग मिलकर क्योंकि देश की आजादी के बाद पहला पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बचाने के लिए हो रहा है, लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रहा है, जो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हो रहा है, जो महंगाई को खत्म करने के लिए हो रहा है, जो इन बच्चों के देश के किसानों मजदूरों नौजवानों के बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए हो रहा है। इसलिए आज हम सब इस मौके पर इस लोकसभा के चुनाव में अब इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता इस देश के संविधान को बचाने के लिए लोकतंत्र को बचाने। जिस तरीके से चुनाव का बिगुल बज चुका है और आप देख रहे हैं कि आज जौनपुर में जो है प्रत्याशी समाजवादी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के जो है बाबू सिंह कुशवाहा जी उनका आगमन हुआ है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में और स्थानीय नेताओं में जो उत्साह दिख रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? आज जो है माननीय प्रत्याशी का आगमन जौनपुर में हुआ है, शिराज हिंद पर पूरी जो है शिराज हिंद सरजमीन का इस्तेमाल करते हैं और स्वागत करती है और जहाँ तक कार्यकर्ताओं में सभी जो इलाइंस के जितने कार्यकर्ता नेतागण सब में बहुत उत्साह देखा जा रहा है और जो कल जो है चुनाव जो हुआ है देश के मुख्तलिफ हिस्सों में उससे जो रिपोर्ट आ रही है कहीं ना कहीं जो है भाजपा का सूपा साफ होने वाला है और हमारा इंडिया का गठबंधन जो जीतने वाला है। आज वहाँ पर अभी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर रहे थे तो क्या मूल मंत्र दिया है कार्यकर्ताओं को? कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र ये दिया कि हम आपके बीच में हैं और रहेंगे, जीतने के बाद आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। कभी भी जो बाहरी का मुद्दा है वो बाहरी के मुद्दे मत ना बनाइए बल्कि जीतने के बाद 24 घंटे हम आपकी सेवा में समर्पित रहेंगे, ये हमारे प्रत्याशी का पूरा बयान था। जिस तरीके से प्रिया सरोज जी का और बाबू सिंह कुशवाहा जी का कुछ नेताओं ने लखनऊ जा करके उनका टिकट काटने के लिए जो विरोध किया था उसको लेकर क्या कहेंगे कि आने के बाद क्या माहौल है, उसके पहले क्या माहौल था? दोनों प्रत्याशी जो आए हैं उसके बाद अगर किसी का विरोध भी होगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले के बाद कोई भी विरोध किसी भी प्रकार का कोई मायने नहीं रखता, जो फैसला हो चुका वही फैसला मान्य रहेगा। अभी जो यहाँ पर आए हैं तो क्या लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला सही था? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला किया है, हमारे मुखिया हैं पूरे देश के और प्रदेश के पूरे श्रमिकों को जानते और पहचानते हैं, उनका फैसला सम्माननीय और बहुत अच्छा फैसला है। क्या लगता है जौनपुर की सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी? बहुत ही दावे के साथ कहा जा सकता है कि दोनों सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा और जरूर जीतेगा, मजबूती के साथ जीतेगा। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर सरफराज सफराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि और जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी।